नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है कच्ची हल्दी का अचार। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। कच्ची हल्दी की ताज़ी गांठें 250 ग्राम ले लीजिए, नींबू 250 ग्राम, सरसों का तेल आधा कप, मेथी दाने का पाउडर 2.5 चम्मच छोटा वाला, सरसों का पाउडर 2.5 चम्मच, पीली या काली सरसों कोई भी ले लीजिए, नमक 2.5 चम्मच या स्वाद अनुसार, सौंठ का पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच। अब हम इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। हल्दी जैसा आप सबको पता है कि हाथ में दाग छोड़ देती है, तो उसको काम करने से पहले हाथ में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लीजिए। उसके बाद इसको खुरचते हुए इसके छिलके को निकाल लीजिए। जितना भी काला छिलका है उस पूरे काले छिलके को सारी हल्दी में से हमें निकाल लेना है। इसके बाद हम हल्दी को जब छिल जाएगी तो धो लेंगे और फिर एक कपड़े से पोंछ लेंगे, इसको सुखा लेंगे कपड़े से पोंछ के और फिर कस लेंगे मोटा पतला जैसा आप चाहें। एक पैन या कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख दीजिए और तब तक गर्म करिए जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक नींबू के रस को निकाल लीजिए, सारे नींबू का रस निकाल लीजिए। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसको बंद कर दीजिए आँच को और 2 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। हमें इसको एकदम ठंडा नहीं करना है। और इतनी ही गर्माहट में ही अब हम इसमें हींग डालेंगे, मेथी दाना पाउडर, सरसों का पाउडर और कसी हुई हल्दी डाल देंगे इस गरम तेल में। नमक डालिए, सौंठ का पाउडर या अदरक का पाउडर डालिए, लाल मिर्च डालिए, ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धी अचार है ये, इसके गुणों की तो गिनती ही नहीं हो सकती। अब इन सारे मसालों को इसमें मिला लीजिए। इस तेल में हमें आँच नहीं जलानी है, इसमें जो गर्म तेल था इसी में ही हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, सब मसालों को और हल्दी को सब अच्छे से लिपट जाएं। इसके बाद जो हमने नींबू का रस निकाला था वो इसमें डाल के मिला लीजिए अच्छे से, इससे बहुत और स्वाद बढ़ जाता है, ये भी फ़ायदा ही करता है और हल्दी को खाने में अचार में हमें सुविधा हो जाती है इससे। इसके बाद तुरंत ही इसको एक कांच के बाउल में या चीनी मिट्टी के बाउल में निकाल लीजिए और ढक कर 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। और 4-5 घंटे बाद इसको अच्छे से चला लीजिए ताकि सब मसालों का स्वाद अचार में अच्छे से पेबस्त हो जाए। आप चाहें तो इसका आनंद तुरंत उठा लीजिए, वरना आप इसको धूप में 2-3 दिन रखिए ताकि ज़्यादा दिन तक रुक सके और स्वाद भी बढ़ जाए इसका। एक चीनी मिट्टी या कांच की बोतल लीजिए, उसको धूप में सुखाइए। धोने के बाद जब बोतल सूख जाए तब इसमें आप अचार को डाल दीजिए। और अगर आप इसको और ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं इस अचार को, तो इसमें इतना तेल डालिए कि ये पूरा अचार इस तेल में डूब जाए। तो इस तरीके से आप इसे 6 महीने रख पाएंगे। और यदि आधा कप ही डालेंगे तो आप इसको 1 महीने तक फिर भी आराम से रख सकते हैं। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज मिलती रहें। धन्यवाद।